तो बड़ा अपडेट सामने आया है, चकधरपुर रेल मंडल में रेल हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि झारखंड के चकधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा सीएसएमएच मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गई है। रुपेश प्रधान हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए। रुपेश, किस तरीके से हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट वहां से? अभी ये जो घटना हुई है करीब 3 से 4 बजे के बीच है, जब हावड़ा से मुंबई की ओर मेल जा रही थी और उसी दौरान इधर से एक उससे पहले, हालांकि ये जैसे बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी भी डाउन लाइन से जो जा रही थी वो भी बेपटरी हुई है, और अप लाइन से जो हावड़ा मुंबई मेल आ रही थी वो बेपटरी हुई है, और हावड़ा मुंबई मेल के 10 से अधिक डिब्बे पटरी से उतरने की खबर आ रही है। और पर अभी चकधरपुर मंडल मुख्यालय से डीआरएम के साथ अन्य जो वरीय अधिकारी हैं और पुलिस प्रशासन के भी लोग वहां पहुंच चुके हैं, और घायलों को आसपास के जो अस्पताल हैं जैसे खरसवा अस्पताल वहां से करीब पड़ता है तो वहां ले जाया गया है, कुछ को चकधरपुर लाया गया है और अभी राहत कार्य वहां शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ा रेल हादसा है और करीब 4 बजे के और अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन है, लेकिन जो खबर मिल रही है वहां से कि की मौत और करीब 20 आसपास घायल होने की सूचना खबर है। रुपेश, बताया जा रहा है पहले ही एक मालगाड़ी पहले यहां पर डिरेल हुई थी, तो क्या उसे समय से हटाया नहीं गया था, क्या इसकी सूचना नहीं दी गई थी और उसी ट्रैक पर रेल आई? जी जी, हेलो जी रुपेश, ये खबर सामने आ रही कि जो पहले से मालगाड़ी थी वो पहले डिरेल हुई थी, उसके बाद से हावड़ा से जो मुंबई जा रही हावड़ा मेल थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो क्या पहले से वहां से उस पटरी को हटाया नहीं गया था जो मालगाड़ी की पटरी बोगी थी पटरी से? ये देखिए, दुर्घटना का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः वहां पर पटरियों में कुछ खामियां होगी या कुछ टूटे होंगे, कुछ तो मामला होगा, इसीलिए दो ट्रेन वहां पर बेपटरी हुई है। तो अभी लेकिन पूरा मामला सामने नहीं आया है, स्पष्ट नहीं हो पाया है, आधिकारिक तौर पर कोई अधिकारी ये बात अभी बताया नहीं है कि वहां कैसे डिरेल हुई है, ये आगे इसमें थोड़ा समय लगेगा। जी, तो क्या ये अपडेट आपके पास इसकी पुष्टि हुई है कि पहले जो मालगाड़ी के डब्बे थे वो बेपटरी हुए थे वहां पर उससे पहले? जी, पहले डाउन लाइन से जो मालगाड़ी जा रही थी वो बेपटरी हुई और उसके बाद अप लाइन से जो आ रही थी हावड़ा मुंबई मेल वो बेपटरी हुई है। तो वहां पर क्या तकनीकी खामी थी या पटरियों में कुछ गड़बड़ी थी जिसके कारण दोनों ट्रेन बेपटरी हुई है, ये आगे अब स्पष्ट होगा। जी, तो क्या ये भी खबर सामने आ रही कि जो एक ही ट्रैक पर दोनों मालगाड़ी के डब्बे और जो रेल आ रही थी हावड़ा मेल, ये दोनों एक ही ट्रैक पर थी? नहीं नहीं, एक ही ट्रैक पर नहीं थी, ये डाउन लाइन पर मालगाड़ी जा रही थी और अप लाइन पर ये हावड़ा मुंबई मेल आ रही थी, एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन नहीं थी। जी रुपेश, एक की मौत हुई है, पहचान कुछ हो पाई है? नहीं, अभी पहचान नहीं हो पाई है और ऑफिशियल रेलवे के अधिकारियों द्वारा भी ये डिक्लेयर अभी नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्रों से जो खबर मिली है उसमें एक की डेथ की मौत की सूचना जानकारी मिल रही है। 20 लोग घायल हुए, उनकी कुछ पहचान हो पाई है? नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन घायल हुए हैं क्या, लेकिन करीब 20 की संख्या में यात्री घायल हुए हैं ये खबर है। तो क्या अभी वहां पर अगर बात करें घटनास्थल तक, क्या रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, क्या अभी भी कुछ यात्री जो है वो डब्बे के अंदर फंसे हुए हैं? देखिए, अभी वहाँ जब घटना के बाद ही करीब 5 बजे 6 बजे के आसपास ही रेलवे के अधिकारी और रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गए हैं और राहत कार्य वहाँ पर चलाया जा रहा है, और कितने लोग वहाँ डिब्बे में फंसे हैं क्या ये तो आगे पता चलेगा। जी, तो अभी कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी किए गए हैं जिससे जो यात्री के परिवार वाले हैं वो कुछ जानकारी ले सके? नहीं, अभी तक तो रेलवे द्वारा कोई नंबर जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः जल्द ही ये हले सुबह इतनी जल्दी घटना हुई कि अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः कुछ देर में रेलवे द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो डब्बे बेपटरी हुई हैं, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसको यहाँ से हटाने में सही करने में कितना वक्त लग सकता है? ये देखिए, 10 से अधिक डिब्बे वहाँ बे हुए हैं तो संभवतः समय काफेगा, लेकिन रेलवे मंडल मुख्यालय वहाँ से पास है, करीब 25-30 किलोमीटर ये की दूरी पर है, इसीलिए राहत कार्य में तेजी लाई जा रही है और रेस्क्यू टीम सुबह से वहां रवाना हो रही है और राहत कार्य अभी शुरू कर दिया गया है, लेकिन करीब 5 से 7 घंटे लग सकते हैं।
तो अभी कुछ पुष्ट जानकारी मिल पा रही है कि क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं या फिर जो लोग अंदर फंसे हुए उनको बाहर निकाल लिया गया है? अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं भी अभी फिलहाल घटनास्थल के रास्ते पर हूं, वहां पर पहुंचने की दूरी पर, तो वहां पहुंचने के बाद ही पूरा मामला मैं स्पष्ट बता पाऊंगा कि कितने लोग वहां फंसे हुए हैं, क्या है। ये जो डब्बे में पटरी हुए हैं क्या इनकी संख्या 10 से ज्यादा है, ये कुछ आधिकारिक जानकारी मिल पाई है? जी 10 से अधिक है, जैसे बताया जा रहा है कि करीब 18 डिब्बे वहां बेपटरी हुए हैं, जिस तरह बताया जा रहा है। 3 या 4 डिब्बों को छोड़कर ट्रेन के बाकी सभी डिब्बे वहां बेपटरी हो गए हैं जो हावड़ा मुंबई मेल के। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बाड़ा बांबू रेलवे स्टेशन के पास से हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हुई। एक खबर ये भी सामने आ रही कि पहले से एक मालगाड़ी जो है वो पहले से बेपटरी हुई थी और उसके बाद से वहां पर हावड़ा मेल आती है और वो भी बेपटरी हो जाती है, वो भी डीरेल हो जाती है। तो मालगाड़ी के डिब्बे ट्रैक पर से हटे हुए थे, हावड़ा मुंबई मेल दूसरी ट्रैक से आती है और वो भी बेपटरी हो जाती है। जो खबर अपडेट सामने आ रहा है मालगाड़ी के डिब्बों से टकराकर इस हादसे की जो बात है वो सामने आ रही है। तो देखिए अपडेट सामने आया है कि मेल के डिब्बे भी पटरी से उतर गए।